की रैली में बवाल, गाली गलौच करने लगे नेता, देखते रह गए मोदी योगी। साल 2014 की तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2024 के चुनावों से ठीक 20 दिन पहले यूपी के मेरठ से एक बार फिर हुंकार भरी। मंच सजा, कुर्सियां बिछी और नेताओं का जमघट लगा, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न मोदी ने की होगी और न ही योगी ने। जिस वक्त मंच पर मौजूद नरेंद्र मोदी मेरठ की जनता को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बीजेपी के कुछ नेता इतने उत्साहित हो गए कि आपस में भिड़ गए। खबर है कि कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद ऐसा शुरू हुआ जो गाली गलौज से लेकर मारपीट तक पर जा पहुंचा। अब सोचिए वो नजारा कैसा रहा होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे हों, बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद हों और बीजेपी के नेता आपस में कुर्सियों के लिए लड़ भिड़ रहे हों। हालांकि मामला जब ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो कुछ आरएलडी नेताओं ने स्थिति को संभाला, सभी नेताओं को समझाया और इसी के साथ वहां पर दो दरोगा और चार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई। बताया जा रहा है पूरा विवाद कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ। बहरहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मेरठ लोकसभा से प्रत्याशी अरुण गोविल, बागपत लोकसभा से डॉक्टर राजकुमार सांगवान, मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान, कैराना से प्रदीप चौधरी, बिजनौर से प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, अमित अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे और जनता के बीच नेता कार्यकर्ता आपस में इस तरह से भिड़ते हुए दिखाई दिए। बहरहाल मेरठ की धरती से पीएम ने किस तरह से हुंकार भरी वो आपको सुनाते हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। भारत माता की, भारत माता की, आप सबको राम राम। मेरठ की ये धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यही मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। का जनादेश भारत को दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है, भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें
देश को बहुत आगे लेकर जाना है।